हम बहुत खुश हैं कि ये जो बात करो तुम यार एक्चुअली इफ यू गो टू या इफ यू गो टू रियली सी ऑन दिस मंच द बिगेस्ट नंबर्स द बिगेस्ट सुपरस्टार इज अभिषेक बोल बच्चन धूम थ्री एंड नाउ हैप्पी न्यू ईयर तो प्लीज डोंट एंड उसमें जरूरी नहीं कि हर कोई मौका नहीं मिलता और मुझे मैं इसके लिए थोड़ा सा आंसर करना चाहूंगा कि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैंने इनके साथ काम किया पहले भी किया है इज यंगर टू मी एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड हिम एज अ पर्सन बट ही इज एन एक्सट्रीमली बहुत ही फाइन एक्टर और मेरा हमेशा ये मानना है कि जो लोग कॉमेडी में अच्छे होते हैं वो ओवरऑल बहुत अच्छे एक्टर होते हैं कॉमेडी हर से की नहीं जाती थोड़ा अनफॉर्चुनेट है या फॉर्चुनेट है हमेशा इनकी जो कॉमेडी फिल्म है उसके लिए एकदम फोर फ्रंट में आके दिखते हैं जैसे नंदू भिड़े का जो कैरेक्टर है जैसे बोल बच्चन में कैरेक्टर है लेकिन आई रियली रियली बिलीव इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स मैंने उस दिन भी दिल्ली में इनको बोला बहुत स्वीटली कि ही शुड रियली एक्सपेरिमेंट ही इज़ वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स हु कैन डू वेरी वेरी रोल्स एंड बी लाइक्ड एंड लव्ड इन ऑल ऑफ देम सो इंशाल्लाह यू शुड एंड ऑफकोर्स हैप्पी न्यू ईयर का फ्रेंचाइज कर लेना वो करते रहना उसमें नंदू भिड़े रहना भी हैप्पी न्यू ईयर को फ्रेंचाइज ही बनाना है हाँ उसको फ्रेंचाइज और हम बस इस सोच में हैं कि अगले पार्ट को ईद मुबारक या हैप्पी दिवाली बुलाएं और अगर हैप्पी दिवाली होगा तो उसे न्यू ईयर पे रिलीज करेंगे सो वी आर थिंकिंग ऑफ दैट बट आई लव टू सलमा आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी